السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. دعوانا برد من ما كنا كرد وسلام كنا على نبي دكبيش كريش باور مصر على سيدنا محمد काबिल मुबारकबाद हैं हमारे अजीज मोहतरम आकिब बाबू, जिन्होंने अपने घर में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई। और हमें और आपको एक मर्तबा फिर इस बज़्म पाक में शिरकत करने का मौका मिला। हम इंसान होने के नाते हमारे ध्यान अजीब अजीब ख्याल में डूबे रहते हैं और शैतान कभी नहीं चाहता कि उसके महबूब की महफिल में कोई बंदा आ जाए और बैठ जाए, नेकियां कमा जाए, कभी नहीं चाहिए। कई दिनों से गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे हैं मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से, जो हमारी मालूमात है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आला हज़रत कदरुल बरकत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 साल की उम्र में मिलादे मुस्तफ़ा में 2 घंटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे तकरीर फरमाई। कितने साल की उम्र में? 6 साल। अब जरा सोचो कि 6 साल उम्र हमारे और आपके भी बच्चे हैं, बच्चों की उम्र 6 साल की क्या वक्त रखती है, मगर 6 साल की उम्र में आला हज़रत ने एक बहुत बड़े मजमे के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा मनाई और उसका मौजू रखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आला हजरत ने मिलाद मुस्तफ़ा का सबूत पेश फरमाया। मिलाद मुस्तफ़ा करना साबित। अब हम तो आंख बंद किए हुए हैं कि चूंकि हमें ऐसे कायद आदम मिले, मुजद्दद आदम मिले, जब उन्होंने खुद 2 घंटा मिलाद मुस्तफ़ा मनाई तो अब हमें किसी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ये वो आला हज़रत है कि जिनको अहले हरम जो है वो देखते थे तो कहते थे कि तुम्हारे पेशानी में अल्लाह का नूर जगमगा। तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का नूर जगमगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं सरकार की तारीफ में कि वो कमाल हुस्न हुज़ूर है, कमाल नक्श जहां है। जरा जोर से, मैंने
कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि ये सब इधर उधर देखना बंद कर दो, बस दिल में लौ लगा लो, लौ चस्का नहीं बोलते, चस्का लौ लगा लो कि महफिल किसकी है, किसकी महफिल में बैठे हैं और कौन महफिल में बुलाने वाले हैं, कौन महफिल को सजाने वाले हैं। मैंने कल भी कहा था कि आते हैं वही जिनको सरकार राजों से आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कल की गुफ्तगू में मैं ये बता रहा था कि कुछ लोगों का ये कहना है कि खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ना, कुरान पढ़ना नाजायज और हराम है। अगर उस पर कुरान पढ़ दिया जाए तो उसका खाना जायज नहीं। जोर से बोलो ना, नहीं। ये सारे बच्चे मिलकर तवज्जो करें क्योंकि ये इनका मुस्तकबिल है, अकीदा। अकीदा अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर नमाजें बेकार है, रोजे बेकार है, हज बेकार है, ज़कात बेकार है, सारे अमाल बेकार है। अकीदा क्या होना चाहिए कि रहमत आलम पूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीवाना और उनका आशिक है वही हमारा है, सुभान अल्लाह, वही हमारा है। इसके अलावा क्योंकि दुनिया है, दुनिया में तो आपको हर किस्म के लोग मिल जाए, मगर सही मानों में मुसलमान वो है जिसका रिश्ता अपने नबी के दर से, मुसलमान का जिसका रिश्ता अपने नबी के दर से हो। तो कल मैंने बताया कि जिससे पाक में आया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा इकराम का मजमा जोर से, सहाबा इकराम का मजमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों के खाने के मिकदार एक बर्तन में तोहफा पेश किया गया, दो आदमियों के खाने के मिकदार एक बर्तन में तोहफा पेश किया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते पाक उस खाने पर रखा, दस्ते पाक उस खाने पर रखा। ये दस्ते पाक खाने पे रखना ये बता रहा है कि खाना सामने था, दस्ते पाक रखना ये बता रहा है कि खाना सामने था। पीछे दस्ते पाक रखने में तकलीफ होती है बंदे को और ये इज्जत और तौकीर के खिलाफ भी है कि बंदा पीछे हाथ रखे तो आदमी समझता है कि ये आदमी सलीका भी नहीं, इसको अदब भी नहीं, इसको तमीज भी नहीं। तो ये दस्ते पाक रखा हुजूर ने और सहाबा फरमाते हैं कि कुछ पढ़ा हुजूर ने, कुछ पढ़ा हुजूर ने, ये ध्यान में रखना कितने आदमियों का खाना था, जोर से बोलो ना, भूल गए क्या, कितने आदमियों का खाना था, दो आदमियों का खाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते पाक रखा और कुछ पढ़ा। अब पढ़ने के बाद सहाबा इकराम ने फरमाया दस दस सहाबा इकराम आओ खाते जाओ, दस दस सहाबा इकराम आओ खाते जाओ। दस आए खाकर चले गए, दूसरे दस आए खाकर चले गए, तीसरे दस आए खाकर चले गए, चौथे दस आए। याद करके हदीस पाक में फरमाया 300 सहाबा इकराम 300 साहब इकराम खाना खा के सिकम शहर हो गए। दो आदमियों का खाना दस्ते मुस्तफा लगा, प्यारे आका ने कुछ पढ़ा और सहाबा इकराम ने वो जब तस्लीम फरमाया तो एक दो साहब ही नहीं 300 साहब ही सिकम शहर हो गए, 300 साहब ही सिकम शहर हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अलावा हुजूर ने क्या पढ़ा होगा, दुआ पढ़ी होगी, कोई दुआ की होगी। तो पता तो ये चला कम से कम कि
या तो कुरान की आयतें पढ़िए या दुआ के कलमा अदा फरमाए, मगर पढ़ा वजूद में खाना सामने रखकर। सुभान अल्लाह, खाना सामने रखकर। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। मेरे आका दस्ते पाक लगा दे और खाने में कुछ पढ़ दे तो दो आदमियों का खाना 300 आदमी खाकर चले जाए। बरकत इतनी कि 300 आदमी खाना चले जाए। अब अगर हदीस पाक में आया कि जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना खाने से पहले पढ़ लेता है तो उस खाने में शैतान शरीक नहीं होता। बहुत ही मजा देता है जब वो पीते, खाली दूध होता।
डब्बे वाले की बात नहीं, खालिस दूध है। खालिस यानी आपके सामने नजरों के सामने जानवर से निकला हुआ दूध हो, और वो दूध जब बंदा पीता है तो उसको एक तरोताजगी महसूस होती है, और उसका जो है गला महसूस करता है कि हाँ हमने कुछ किया। ये जिक्र हुआ, ठीक है। लेकिन अगर किसी को मलेरिया हो जाए और दो दूध पियो तो कहते नहीं यार ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो हालत के नीचे नहीं उतर रहा। हालांकि कुरान क्या कह रहा है कि पीने वाले के लिए बहुत ही नरम है और खुशदायक का दूध है, मगर अगर किसी को मलेरिया का बुखार आ गया हो तो उसका जायका बदल जाएगा। दूध पिलाओ तब भी जायका बदलेगा, शरबत पिलाओ तब भी जायका बदलेगा, चाय पिलाओ तब भी जायका बदलेगा, कॉफी पिलाओ तब भी उसका जायका बदलेगा। वो कहेगा नहीं चाय कड़वी है, दूध कड़वा है, ये कड़वा है, वो कड़वा है। हालांकि दूध अपनी जगह पर सही है, चाय अपनी जगह पर सही है, शरबत अपनी जगह पर सही है, बजाय इसके कि अपनी कमजोरी जाहिर करे कि हमें बुखार हो गया है, इस वजह से हमारा ध्यान कमजोर हो चुका है, हमें हर चीज कड़वी नजर आ रहा है। ये नहीं कह रहा है, बल्कि तो कह रहा है चाय को कह रहा है, शरबत को कह रहा है। क्यों? इसलिए कि उसका मिजाज कड़वा हो चुका है, मिजाज कड़वा हो चुका है। अगर ऐसे ही मिलाद मुस्तफा में बैठने से अगर कोई बंदा भागता हो, मिलाद मुस्तफा में आने से अगर कोई बंदा भागता हो, मिलाद मुस्तफा में शरीक होने से अगर कोई बंदा भागता हो, तो समझ लेना कि इसको मिलाद मुस्तफा से बुखार आ गया है, इसको मलेरिया चल गया है, इसीलिए ये मिलाद मुस्तफा से भाग रहा है। वरना मिलाद मुस्तफा तो ऐसी है कि जिसको रब्बे कायनात ने खुद बनाया। समझ रहे इस चीज को जो मैं पॉइंट दे रहा हूं? आज लोग कहते ना कि यार ईद तो सिर्फ दो है, कहते हैं ना लोग ईद तो सिर्फ दो है, और कहीं पे ये कहा जाता है छोटी ईद बड़ी है, तो कहीं ये भी कहा जाता है मीठी ईद और तीखी ईद, समझ गए? कहीं ये भी कहा जाता है ईद उल फितर, ईद उल अधा। ईद तो सिर्फ दो है, और ईद का मतलब क्या निकालते हैं जो बच्चे आ सामने, अरे यार तुम कैसे आदमी, तुम ये रबी अव्वल को ईद मिलाद नबी कैसे कह रहे हो? ईद तो सिर्फ दो है, और ईद में नमाज पढ़ी जाती है, तुमने नमाज पढ़ी क्या रबी अव्वल में? अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, अरे यार ये तो आज सही कह रहे कि ईद उल फितर में भी नमाज पढ़ी थी हमने, ईद उल अधा में भी नमाज पढ़ी थी, अगर रबी अव्वल की मिलाद नबी है तो फिर इसमें नमाज क्यों नहीं हुई? देखो बच्चों को तो तुम धोखा देते हो, ईद का माना क्या होता है कभी सोचा? ईद का लुगवी माना होता है पलट पलट करके आना, ईद का पलट पलट करके आना, और इस्तेलाह में ईद का माना होता है खुशी मनाना। इस्तेलाह में ईद का माना क्या होता है? खुशी मनाना। जैसे कोई पिछड़ा हमारा दोस्त है, काफी कई साल हो गए मुलाकात नहीं हुई, अब तक वो आया था यार तुम्हारी ईद क्या हुई, हमारी ईद हो गई। बोलो बोलते ही नहीं, आपकी ईद क्या हुई कि हमारी ईद हो गई, तो क्या मतलब वहां नमाज पढ़ने जा रहा है? नहीं नहीं, बल्कि खुशी का इजहार कर रहा है, खुशी का दोस्त बोलो ना, खुशी का इजहार कर रहा है। अरे मैं नमाज की बात तो बाद में करूंगा, पहले तुम ये बताओ कि ईद उल फितर मिली किसके सदके में, ईद उल अधा मिली किसके सदके में, रमजान मिला किसके सदके में, कुरान मिला किसके सदके में, ईमान मिला किसके सदके में, अरे तुम्हें रब की पहचान मिली किसके सदके में, किसके सदके में? उसी ईद वाले के सदके में। कि अगर ये रबी अव्वल की ईद ना होती तो ना ईद उल फितर होती, ना ईद उल अधा होती, ना रमजान होता, ना कुरान होता, ना तरावी होती, ना रुकू होता, ना सजदा होता, ना नमाज होती, कोई भी चीज नहीं होती। बल्कि ईद रबी अव्वल ही की बुनियाद पर अल्लाह हमें ये सारी कायनात, अल्लाह ने सारी कायनात सजाई, सारी कायनात सजाई ईद मिलाद।
ईद मिलाद। हमें कुरान की एक याद आयत याद आ गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलाम के मानने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा आप तो ईसा अल्लाह है, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आसमान से पका पकाया खाना दे, पका पकाया खाना दे, उसमें मछली और दूसरी चीजें भी उतरती थी, मन्नो सलवा जिसको कहा जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाहुम्म रब्बना अंजिल अलैना मा'इदतन मिनस समा, ऐ अल्लाह अंजिल अलैना, हम पर नाजिल फरमा, उतार मा'इदतन मिनस समा, आसमान से दस्तरखान, और जब दस्तरखान मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, ईदा गलत है, ईद तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ऐ अल्लाह तू आसमान से दस्तर उतार, जब दस्तर उतरेगा तो वो हम खाएंगे, खुशी मनाएंगे, वो हमारे लिए ईद का दिन होगा। कुरान के तेवर तो देखो यार, आसमान से खाना उतरे वो दिन तो ईद का दिन है, हजरत ईसा की कौन आए, और जिनके सदके में खुद ईसा को पैदा किया हो, जिनके सदके में ईसा की कौन को पैदा किया हो, जब वो नबी मुहम्मद रहमत आलम हुए मुजस्सम इस दुनिया में आए, तो क्या रसूलुल्लाह की उम्मत उनके दिन को ईद का दिन ना मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। अगर खाना आसमान को करना है वो दिन ईद का हो सकता है, तो जिस दिन प्यारे आका आए कि जिनके सदके में अल्लाह ने तो आए सारी नियामतें पैदा फरमाएंगे, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन, हमारे लिए ईद का दिन है, सुभान अल्लाह। और कैसे प्यारे आका हमें मिले, कैसे प्यारे आए तब भी उम्मत को याद फरमाया, आए तब भी अपनी उम्मत को याद फरमाया, जब भी मौका मिला अपनी उम्मत को याद फरमाया, मेराज पे गए अपनी उम्मत को याद फरमाया, यहाँ तक कि जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे तब भी अपनी उम्मत को याद फरमाया, रब्बे हकी उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा असला तो बोलने, रब्बे फरमाया कि बख्शा असला तो असला, अल्लाह पैदा होते तो उम्मत को याद करते। अब मैं तुम्हारे पे एक ही मेरे मन में चीज आती है, और वो यह कि हुजूर ने अपनी पैदाइश पर जिन जिन उम्मतियों को याद किया है, वही उम्मती ये सोच के बैठ गए कि ऐ अल्लाह के मुकद्दस हबीब, आपने अपनी पैदाइश पर हम जैसे गुनाहगारों को फरामोश नहीं किया, तो हम भी मरते दम तक ये हद करते हैं कि जब आप अपनी पैदाइश पर हमें नहीं भूले, जब आपका पैदाइश का दिन आएगा तो हम भी मरते दम तक इसे कभी नहीं भूलेंगे। आला हजरत फरमाते हैं दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हाथ हो जाए जब तक मगर दो रदा खाक हो जाए, क्या तेवर है आला हजरत, अगर आप इजाजत दें, एक सहाबी हाजिर हुए बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल पे ताजगी, हशाश बच्चा चेहरा लग गया,
क्या आप महसूस कर रहे हैं कि हम किसी ऐसे वैसे की बात नहीं सुन रहा हूँ बल्कि प्यारे आका की बात? याद रखें, हदीस का भी एहतराम वैसे ही है जैसे कुरान का है। जिस तरह कुरान का एहतराम वैसे हदीस का भी एहतराम। एक साहबी आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको कयामत में तलाश करें तो आप कहाँ मिलेंगे? अगर हम आपको कयामत में तलाश करें तो आप कहाँ मिलेंगे? मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर पर। हौज़े कौसर उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगर आप वहां भी ना मिले तब? फरमाया मीज़ान अमल पर। मीज़ान अमल कहा, या रसूलल्लाह अगर आप वहां भी ना पाए तब? कहा पुल सिरात पर। कयामत में तीन जगह जहां सरकार कभी हौज़े कौसर पे नजर आएंगे, कभी मीज़ान अमल पे नजर आएंगे और कभी पुल सिरात पे नजर आएंगे। जहां उम्मती की जरूरत होगी मेरे आका वहां पहुंच जाए। मीज़ान अमल का एक वाक्य नजर करके रुख्सत हो रहा हूं कि मीज़ान अमल में जब उम्मतियों के आमाल तोले जाएंगे, उम्मतियों की, तो एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, प्यारे आका का उम्मती आएगा, फरिश्ते उसे दोजख की तरफ ले जा रहे होंगे। फरिश्ते उसे दोजख की तरफ ले जा रहे होंगे। जब फरिश्ते दोजख की तरफ ले करके चलेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे, ऐ प्यारे आका रहमत आलम, जरा देखो तो सही, आपके एक गुलाम को, आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। आपके उम्मती को फरिश्ते, दोस्त बोलो ना, जहन्नम में ले जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ फरिश्ते उसे फिर वापस ले जाओ। कहा इसके नामे अमल तो ले जा चुके हैं और हुक्मे रब्बी हो चुका है कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। कहा मैं कह रहा हूं फिर चले चलो। निदाई गैब से, ऐ फरिश्तों जो मेरा महबूब कह रहा है वो सुना जाए, जो मेरा महबूब कह रहा है उसे सुना जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस गुनाहगार उम्मती को साथ मिलेंगे और मैदान अमल पर लेकर के आएंगे, उसके आमाल को ले जाएंगे। नेकियों का पल्ला कम होगा, गुनाहों का पल्ला भारी होगा। अल्लाह समझ, इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेबे खास से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे, जैसे ही नेकियों के पल्ले पर रखा जाएगा वो पल्ला भारी हो जाएगा। नेकियों पे का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह उस समय शो करता होगा कि तू कामयाब हो गया, तू कामयाब हो गया। जाने वाला जहन्नम की तरफ जा रहा था, हुक्म होगा इसे जन्नत की तरफ ले जाओ, ले चलो जाने की ख्वाहिश करेगा, चलेगा जन्नत की तरफ, पढ़ेगा, वो सोचेगा यार कयामत के दिन कौन ऐसा है जिसने आकर के मुझ पर इतना करम कर दिया, जिसने आकर मुझ पर इतना रहम कर दिया, जिसने आकर मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया। आखिर चलो उसका दीदार तो कर लिया जाए। वो पूछेगा बंदा कि आप कौन है कि जिसके सबसे बेहतर ने मुझे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दिया। फरमाया कि मैं वो हूँ जिसको अल्लाह ने सैयदुल अंबिया बनाया है, जिसको अल्लाह ने शक्ति बख्शा बनाया है, जिसको अल्लाह ने मशक्कत की बंदूहा बना ताक बनाया है। वो उसने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखेगा तो कदमों में गिर जाएगा, कदमों में गिर जाएगा। आज मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर वो अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो गुनाहगार था, मैं तो सियाकार था, मैं तो बदकार था, मेरे पास कोई नेकी नहीं, मेरे पास कोई आमल नहीं। आखिर आपने काम क्या चीज नेकी के पल्ले पर रखी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने नेकी के पल्ले को भारी कर दिया और मुझे जहन्नम से निकाल कर दिया। सुनो हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते, बंदे तुझे याद है कि तू एक मर्तबा फला महफिल में बैठा हुआ था और जब दरूद शरीफ के लिए कहा तो तुमने एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा, जो वही दरूद शरीफ है जो मेरे पास उसी बच्चे की शक्ल में मौजूद है। और ये एक मर्तबा पढ़ा हुआ दरूद पाक तेरी नेकी के पल्ले पर रख दिया, तो अल्लाह ने तुझे जहन्नम से निकाल करके चल Thank you.
कि जब एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का ही अजर, ये सवाब और जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, जिन पर दुरूद की बरकत का ये आलम है तो उनकी जात की बात का आलम क्या होगा। आखिरी हदीस और सुन ले, उसके बाद सलात व सलाम। अल्लाह वसल्लम, सहाबा किराम भी कैसे आशिक है। हमने अपने बात में लोगों से सुना है कि अगर आज के मुसलमान सहाबा किराम को देख लेते तो कहते तो दीवाने हैं, ये दीवाने हो गए, ये मजनू हो गए। ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है सहाबा किराम। और अगर सहाबा किराम आज के मुसलमानों को देख लेते तो वो शायद ये गौर करते कि कैसे मुसलमान है, ये कैसे ईमानदार है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सहाबा को जो इश्क था, उस इश्क का अगर एक कतरे की कुछ छींटे भी किसी गुनाहगार के ऊपर पड़ जाए तो वो बंदा भी अल्लाह के सत्ते में बरकत से उसकी बरकत से बख्श हो जाए। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, अरे हजरत हसान बिन साबित की बात हमेशा सुनते रहते हैं। बोलो हमने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। अब बताओ हम उनकी बात माने जो अपने माथे की आंखों से सरकार को देख के कह रहे हो, या आज के मुल्लाओं की बात माने। बोलो किसकी बात मानेंगे, उन सहाबे किराम की जिन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चश्मे सर से दीदार कर रहे हैं, ज्यारत ए मुस्तफा वाले नाद भी पढ़ रहे, सुभान नाद भी पढ़ रहा, चलो मैं कदम तरा पत तो आईनी, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं, किसी को नहीं देखा। वो अकमल ने कदम तरे दिन निशा, किसी औरत ने आप के जैसा पाकमाल जना ही नहीं। आप हर आए उससे पाक पैदा किए हैं। इसी की तर्जमानी मुजद्दिदे दीनों की मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रामेश मोहब्बत की सुभान अल्लाह, तेरे तो बस पे आए सुभान अल्लाह, तनाही से है बने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाथ खान लोग पढ़ते हैं तेरे तो बस पे आए बे, तनाही से है बने आए बे नहीं पढ़ना चाहिए, तेरे तो बस पे आए ना वक्फ करना चाहिए, तेरे तो बस पे आए तनाही से है बने। हैरान हूं मेरे शाह ने क्या कहा, बताओ तो सही तुमने आदम को भी देखा, मूसा को भी देखा, नूह को भी देखा, दाऊद को भी देखा, दानियाल को भी देखा, जकरिया को भी देखा, यहया को भी देखा, इब्राहिम को भी देखा, इस्माइल को भी देखा, और तमाम अंबिया पास तुम आते जाते रहे, उनको भी देखा, उनकी कौमों को भी देखा, जमीन को भी देखा, अर्श को भी देखा, सारा कायनात सारी कायनात को खंगाल खंगाल करके देख लिया है, मगर एक जिब्रील बताओ तो सही तुमने मुझसे भी खूबसूरत किसी को देखा, मुझसे भी खूबसूरत किसी को देखा है। सुभान अल्लाह, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। يا رسول الله आपने जब पूछ लिया तो मैं बता रहा हूं कि मैंने मशरिक का चप्पा चप्पा छान डाला, मैंने मगरिब का चप्पा चप्पा छान डाला, मगर मेरी निगाह में कोई भी इतना खूबसूरत नहीं दिखता है या रसूल का जितने आप। इमाम इश्क मोहब्बत की नजर से गुजरी, जब ये हदीस इमाम इश्क मोहब्बत ने पढ़ी तो बेसाख का बोल पड़े, यही बोल
वो अभी कुछ बयान करना चाह रहा था, सुन लो। कुरान में फरमाया गया वशहदू ज़बय अदिल मिनकुम, कोई मामला हो जाए तो तुम में से दो आदमी गवाही पेश करते, दो मर्द या एक मर्द दो और, समझ गए? कानून है, जाब्ता है, कानून है, ये जाब्ता है कुरान में, कयामत तक के लिए, कयामत तक के लिए यही जाब्ता है, तुम में से दो आदमी गवाही पेश करते। जैसे चांद के मसले पर दो मर्द गवाही पेश करें या एक मर्द दो औरतें गवाही पेश करें, या किसी मियां बीवी के झगड़े में या लेन देन के मामले में कानून शरीयत ही है, शरीयत का कानून यही। अब हदीस सुनो ईमानदार का सहाबा का कैसा इश्क़ था। सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से ऊंट खरीदा, ऊंट क्या ऊंट, और बाद में एक घोड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा, अब जब बय और शरा हो रही थी, खरीदो फरोख्त हो रही थी, लेन देन हो रहा, तो उस वक्त सिवाय उस यहूदी और हुजूर के कोई तीसरा नहीं था, कोई तीसरा नहीं था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कह रहे कि हमारी बात हो चुकी, मामला तय हो चुका है कि तूने ये ऊंट मेरे हाथ पर बेचा, तूने ये ऊंट मेरे, ये घोड़ा तूने मेरे हाथ पर बेचा। वो कहता है नहीं, आप ही की शरीयत के लिए कहती है कि अगर लेन देन के मामले में कुछ गड़बड़ हो जाए तो दो बंदे गवाही दे, अगर आपके पास कोई गवाह है तो गवाह पेश करो, अगर तुम्हारे पास कोई गवाह हो तो गवाह पेश करो, किसकी कि आपकी शरीयत ये कह रही। अल्लाह, इतने में सहाबी रसूल राशिदे मुस्तफा आने सारे मुस्तफा हजरत सैयदना खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से गुजर रहे, देखिए हुजूर खड़े पहुंच गए वहां। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी मैंने तुझसे ये जानवर खरीदा, उसने कहा गवाह पेश करो, हजरत खुज़ैमा फरमाते मैं गवाही देता हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि तूने ये जानवर हुजूर के हाथ पर बेचा, सुभान अल्लाह। अब वो यहूदी परेशान की जमीन, जब बातचीत हो रही थी, बेवशरा हो रही थी, खरीदो फरोख्त हो रही, तब तो तुम थे नहीं, तो उन्होंने फरमाया खुज़ैमा ये हमारे लेन देन के वक्त, बेवशरा के वक्त, खरीदो फरोख्त के वक्त तुम तो मेरे सामने नहीं थे, तुम कैसे गवाही दे रहे हो, कैसे गवाही दे रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आसमानों को देखा नहीं, सुभान अल्लाह, आपने कहा कि आसमान साथ है, हमने मान लिया, सुभान अल्लाह, हमने लौह को देखा नहीं, आपने फरमाया लौह है, हमने कलम को देखा नहीं, आपने फरमाया कलम है, हमने मान लिया। ऐ अल्लाह के मुकद्दस हबीब, हमने मुमकिन नकीर को देखा नहीं, आपने कहा हमने मान लिया, हमने अदाबे कब्र देखा नहीं, आपने फरमाया अदाबे कब्र हक है, हमने मान लिया, हमने महशर देखा नहीं, आपने फरमाया महशर होगा, हमने मान लिया, आपने हमने जिब्रील को नहीं देखा, आपने कहा जिब्रील है, हमने मान लिया, हमने मीकाईल को आपने फरमाया कि मीकाईल है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया, इसराइल को हमने देखा नहीं मगर मान लिया, ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी आपने फरमाया कि अल्लाह एक है, हमने देखा नहीं, आपने कहने पर मान लिया, ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों की तस्दीक आपके कहने पर मैं मान ले रहा हूँ, मैं जान रहा हूं कि जब आप इतनी इतनी बड़ी बातों की आपके कहने पर मैंने तस्दीक कर ली तो ये छोटी बात पर क्यों ना तस्दीक करूं, इसलिए मैं शहादत देता हूं कि आपने ये जानवर खरीदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जानवर खरीदा, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने नहीं फरमाया गुलामा ये हराम है नाजायज है, तू क्या बड़ी बातें कर रहा, नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान।
दरियाए करम जोश पर आ गया। मेरे आका का दरियाए करम जोश पर आया और फरमाया मेरे साहबा सुनो, कानून शरीयत ये है कि कोई भी मामला हो दो आदिल गवाह पेश किए जाए, लेकिन अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाए और हुदैमा तरहा गवाही पेश करे तो दो आदमियों के बराबर भेजा गया कि सुभान अल्लाह, न किसी को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया ना कयामत तक कोई आएगा। एक साहब आए हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि हम इस्लाम लाएंगे। क्या कहा? हम इस्लाम लाएंगे मगर शर्त यह है कि दो वक्त की नमाज ही पढ़ूंगा बस। गौर से सुनो, हमारे और आपके ऊपर कितने वक्त की फर्ज है। काश होते होंगे, काश यार हम भी होते जैसे मूसा अलैहि सलाम के जमाने में नहीं मेराज करा करे यार, एक मरतबा और मूसा अलैहि सलाम चले जाते झंझट ही खत्म हो जाती है। तो मेरे आका की बारगाह में वो आए, पांच वक्त की नमाज है फर्ज अल्लाह सुब्हान, मगर वो आए फरमाया मैं ईमान लाऊंगा मगर इस शर्त के साथ कि सिर्फ दो वक्त की नमाज अदा करूंगा। मेरे आका ने फरमाया जा मैं तुझकी इजाजत देता हूँ, तुझको इसकी इजाजत देता हूँ, तू पूरी जिंदगी सिर्फ दो वक्त की नमाज पढ़, मैं तुझे इसका इख्तियार देता हूँ, तेरे अलावा ये इजाजत किसी को नहीं, तेरे अलावा ये इजाजत किसी को नहीं है। दो वक्त की नमाज, पांच वक्त की जगह दो वक्त की नमाज मुस्तस्ना कर दी। ये वाकयात ये हदीसें क्या ये नहीं बता रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के अता से कायनात के मालिक और मुख्तार है, कायनात के मालिक और मुख्तार है, जो चाहे दम में करे और जैसा चाहे जिसको चाहे मुस्तस्ना कर दे, जिसका चाहे इस्तिस्ना फरमा दे, जिसको चाहे कि ये चीज तेरे लिए हराम वो हराम हो गई। और नहीं जानता हजरत सुराका को हिजरत करके निकले तो सुराका पीछे पड़ गए, सुर्ख 100 ऊंटों की लालच, क्योंकि 100 ऊंट सुर्ख जो है बड़े महंगे होते थे अरब में, 100 ऊंट दिए जाएंगे कोई ऊंट को पाला जंजीर करके लाए, पकड़ के लाए, कैद करके लाए, सुराका पीछे पड़ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के करीब पहुंचने ही वाले हैं कि सुराका आए, चाहा उन्होंने कि कमन डाले, मेरे आका ने मुड़ के देखा सुराका, फरमाया या अर्दा खुदी, ए जमीन पकड़, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अर्दा खुदी ए जमीन पकड़ ले। जब इतना कहा तो सुराका घोड़ों समेत जमीन में घुस गए, घोड़ों समेत घोड़े समेत जमीन पे धस गए, धस गए। अब बंदा समाज गलती हो गई, प्लीज माफ कर दे, राम फरमा दे, करम फरमा दे, अब्दुल हमदुल्लिल आलमीन है, शफीउ मुतलबीन है, माफ कर दे। मेरे आका ने फिर मुड़ के देखा कि सुराका माफी मांग रहा है, अपने किए पर पछता रहा है, फरमाया ओ तूने की ए जमीन छोड़ दे, जमीन ने फिर छोड़ दिया। जोर से यार, दुनिया में कौन ऐसा है जो कभी पर हुकूमत करे, मालदार हो जाऊंगा, बच्चे जो है मस्त रहेंगे, उनकी लाइफ बन जाएगी, समझ जाएगी, फिर ये खराब हुई। मेरे आका ने फरमाया जमीन में फिर पकड़ लिया, सुराका फिर घोड़े समय जमीन से दबा, फिर माफी मांग ले, फिर माफी मांग ले, फिर माफी मांग ले, रूह तो रहमत लिल आलमीन, फरमाया उनकी है जमीन छोड़, जमीन ने छोड़ दिया, जमीन ने छोड़ दिया, फरमाया क्या है सुराका तुम मुझे कमल बाबा जंजीर के निकली आए हो, और से सुनना ही नहीं, बाबा जंजीर के निकली मुझे आप मुझे पकड़ने के लिए, सुनो मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूँ,
सोना मुसलमान को हराम समझे, कहीं भी पढ़ लो सोना हराम। किसी मुसलमान को एक रत्ती सोना पहनना हराम, मना है, हराम है, सख्त हराम, सोना नहीं पहन सकते। अब और चीजें की पास बखाने कई एक सूरतें बताई हैं, जैसे बटन का मामला हुआ या कुछ और चीजों का मामला, घड़ी के डायल का मामला हुआ, वो अलग चीजें हैं, वो मसाइल अलग है, मगर फी नफ्सी सोना हराम। मगर यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं सुराका मैं तुम्हारे हाथ में किसरा के सोने के कंगन देखा, कंगन किसरा के देख रहे हो, ये किसरा कहां है, किसरा ये ईरान का हिस्सा है, किसरा ये ईरान का हिस्सा है। अब हमें समझ में आई जब मैं ये हदीस पढ़ने, जब ये हदीस मैं सुन रहा था तो मेरे ध्यान में ये बात आई, मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर मददुल्लाहानी से मैंने सवाल किया कि हुजूर ये किसरा कहां है, क्या ईरान, तो कहा मैंने कहा हुजूर क्या ये तो बात नहीं है कि ईरान चूंकि मुसलमान और उसमें अबू बकर फारूक आजम उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने इतनी कोशिशें की कि ईरान को तहस नहस कर दिया, शायद यही वजह तो नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से ये है तशद्दुद हजरत अबू बकर और फारूक आजम उस्मान गनी से दुश्मनी करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। अल्लाह हुस्समद, जरा आप सोचो तो सही, आप सोचो ये भी मुमकिन है। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के दौर में किसरा फतेह नहीं हुआ, फारूक आजम के दौर में किसरा फतेह हुआ, दौर से ये फारूक आजम के दौर में किसरा फतेह हुआ। अब फारूक आजम वो किसरा फतेह होने से पहले हजरत सुराका बहुत बीमार हो गए, रो गए, आदत भी आने लगी कि अब जाए कि तब जाए, अब वक्त आया कि तब आया, अब हम उतराई लाए कि निकाले, लोग जो है आयादत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ईमान लाने के बाद कैसा ईमान रहा, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, तुम लोग ये सोच रहे हो कि मरने वाला, अरे नहीं, कसम खुदा की आसमान फट सकता है, जमीन आसमान गिर सकता है, जमीन फट सकती है, चांद सूरज टूट सकते हैं, मगर प्यारे आकर का फरमान गलत नहीं होगा। जब तक सुराका के हाथों में किसरा के सोने के कंगन नहीं होंगे, उससे पहले सुराका को मौत नहीं होगी। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन फारूक आजम ने अल्लाह तआला के जमाने में किसरा फतेह को कंगन ला गए, मेरे फारूक आजम ने फरमाया काय सुराका इधर आओ, आओ सुराका इधर आओ। हजरत सुराका को बुलाया गया और उनके हाथों में किसरा के कंगन पहनाए गए, उनके हाथों में किसरा के कंगन पहनाए गए। मैंने एक हदीस सुनी हुजूर नायब मुफ्ती याद में है, हुजूर सारे बुखारी की गुफ्तगू में बड़ी प्यारी हदीस है, ईमान ताजा हो जाए उसके बाद सलात व सलाम, फिर इंशाल्लाह की महफिल हमारी हुई। एक हदीस है ना बड़ी मशहूर, जो लोग आज हमें हमारे बच्चों को हमारे जवानों को का ईमान लूटने के लिए गिरविदा करते हैं कि सरकार ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म वादीतुन बाबुहा, ये सुन लो क्योंकि हालात का तकाजा भी है, अना मदीनतुल इल्म वादीतुन बाबुहा, उन्होंने ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। गौर से सुनना है, अब यही इतनी बात होती है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। हुजूर शारे बुखारी नायब मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, गालिबन मैं उनके साथ था रोना ही में इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे, वो फरमाया यार आदमी दरवाजा लगाता है तो कोई मकसद तो होता है ना, बोलो भाई, तो जनरल बात है यार, इसमें क्यों शर्मा लगा, आदमी जब दरवाजा लगाता है क्यों लगाता है, कोई तो मकसद और क्यों नहीं होगा। अगर आप दरवाजे को मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में जाकर क्रिकेट खेला जाता है वहां लगा दो तो उस दरवाजे से फायदा क्या होगा, बोलो ना, बारिश से बचत हो सकती है, धूप से बचत हो सकती है, किसी चीज से बचत है नहीं, दरवाजा खाली लगाने से कुछ नहीं होगा। तो वो फरमाते हैं कि दरवाजे ने पता दिया कि इसकी कोई बुनियाद है, दरवाजे ने पता दिया
दरवाजा किसकी कोई बुनियाद, जब जाहिर बुनियाद होगी तो खाली बुनियाद के दरवाजे नहीं लगाया जाएगा। बुनियाद ने पता दिया किसकी कोई दीवार है, दीवार है इसकी, बुनियाद पता दे रही दीवारों का। अब दीवार खाली बना दे, छत न डाले तो मकान बनाने का कोई मकसद ही नहीं, दरवाजा लगाने का कोई मकसद ही नहीं। तो दरवाजे ने पता दिया बुनियाद का, बुनियाद ने पता दिया दीवारों का, और दीवारों ने पता दिया छत का। अब दरवाजा लगाओ तो मकसद पूरा होता है। चोर चोरी करता है मगर निशान कदम उनके जुमले में दोहरा रहा हूं, मुझे अब तक याद है अल्हम्दुलिल्लाह। परमात्मा चोर चोरी करता है मगर निशान कदम छोड़ जाता है। इन्होंने हफीजों ने सिर्फ मौला अली की शान बढ़ाने के लिए यह हदीस बयान कर दी, मगर जो हदीस की बुनियादी चीज थे वो छोड़ दी। क्यों? इसलिए क्या तो मौला अली वाले बेटे, तुम क्या मौला अली वाले हो यार? मौला अली की शान अगर पूछना है तो अहले सुन्नत में जमात से कहो कि मौला अली कैसे हैं सुभान अल्लाह। कि हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने मौला अली को देखा, देखकर मुस्कुराए। मौला अली को देखा, देखकर मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, क्यों मुस्कुराए अमीर उल मोमिनीन? कहा तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे हुजूर की एक बात याद आ गई। का क्या बात आ गई? याद आ गई। कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जिसको जन्नत में जाने की इजाजत देंगे वही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अली जिसको जन्नत में जाने की इजाजत देंगे वही जन्नत में जाएगा। तो मौला अली पलट के फरमाते, क्या तुमने ये सुना हुजूर? तो मैंने भी कुछ सुना हुजूर से आपके बारे में। नबी बकर सिद्दीक, मैंने भी कुछ सुना है आपके बारे में। फरमाया, क्या सुना? काम उससे मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली तुम जन्नत में जाने की उसी को इजाजत देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो। जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो, ये दीन की मोहब्बत है, ये था इनका रिश्ता, ये था इनका ताल्लुक। अल्लाह हु समद, तुम अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में मोहब्बत को घटाना चाहते हो? घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तो ये अली की शान। अरे वो हर जगह सरकार के साथ रहे, सरकार के साथ रहे, सरकार के साथ उठे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती शरीफ अख्तर फरमाते हैं, उन्होंने गढ़ लिख दिया हदीस को, प्रचार किया मगर कुछ चीजें छोड़ दी। मगर जब दरवाजे का जिक्र आया तो दरवाजे ने पता दिया बुनियाद का, बुनियाद ने बताया दीवारों का, दीवार ने बताया छत का। अब दरवाजा लगा दो तो जो सामान घर के अंदर मौजूद होगा, जान माल सब महफूज। अगर छत ना डालो तो बेकार, दीवारें ना बनाओ तो बेकार, बुनियाद ना डालो तो बेकार। फरमाया कि दरवाजे ने पता दे दिया है कि ये चोर चोरी कर रहा है, तू छोड़ के जा रहा है। फरमाया सुनो, पूरी हदीस मुबारक ये है, अना मदीनतुल इल्म वा अबू बकर निसासुहा वा उमर दुकरानुहा वा उस्मान सखाफुहा वा अली कुनफुहा। क्या अबू बकर बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है, मौला अली उसके दरवाजे, मौला अली उसके दरवाजे हैं। अब्दुल मद है, सामान उसके अंदर होगा, वो धूप से भी बचा रहेगा, बारिश से भी बचा रहेगा, चोरों से भी बचा रहेगा। इसलिए पूरी हदीस ये बता रही है कि सिर्फ मौला अली से मिल करके तुम चाहो जन्नत में चले जाओ, हर कितने ही हो सकता है। इसीलिए इमाम इश्क महत्वत आला हजरत फादले पर निर्दिता उतारा नो फरमाते, तेरे गुलामों का नक्शे कदम पे आए तो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले, क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। चारों अइम्मा से मोहब्बत करो, चारों खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत करो। हाँ, मोहब्बत अपने एतबार से ये नहीं कि हम बहुत अहले बैत की मोहब्बत करने वाले। अरे वक्त मिलेगा तो इस टॉपिक पे इंशाल्लाह कभी बात करो, मगर आप याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अहले सुन्नत वल जमात की का के सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये फिरका दीन इस्लाम से खारिज है, बाहर है। इसलिए इससे न दोस्ती की जाए, न इसके साथ उठक बैठक की जाए,
न इसके साथ खाया जाए, न इसके साथ पिया जाए। अगर ऐसा होगा तो आज तक तुम अपनी आप में लोगों के लिए अपनी नजर में इज्जत बना सकते हो, मगर कल कयामत के दिन इसका जवाब हर एक को देना पड़ेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद से कल लगा लेंगे कयामत में अगर भाग गया। अस्सलाम वालेकुम।